नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में उत्तर प्रदेश समग्र अध्ययन यूपी स्पेशल 2024 के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं और ये सभी क्वेश्चंस यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और यदि आप यूपी ट्रिपल एससी AGTA यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश GK के क्वेश्चंस को देखना मत भूलिएगा और क्लास को आप लोग पूरा देखें और अंत तक आप लोग बने रहें। और इसके पहले पहली क्लास करा दी गई है और आज इस क्लास में हम लोग चैप्टर सेकंड जो कि उत्तर प्रदेश नदियां, नहरें, झीलें, ताल एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित 55 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग लाइक और शेयर बहुत कम करते हैं, आपके लिए इतना मेहनत की जाती है, इतने कम समय में इतने सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं ऑथेंटिक, तो आप की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज किस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और इन सभी क्वेश्चंस का आपको PDF भी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दिया जाएगा, एकदम निःशुल्क है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सारी PDF आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं चैप्टर सेकंड से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा। दोस्तों तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें, अलकनंदा भागीरथी, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का आप लोग आंसर दीजिए, तो राइट आंसर की बात करें, बेतवा नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यहाँ पर माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको आंसर देना है, तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए है माता टीला बांध, ऑप्शन बी है रामगंगा बांध, ऑप्शन सी है मेजा बांध, ऑप्शन डी है रिहंद बांध। तो क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रामगंगा बांध इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर इनमें से कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर की बात करें तो शारदा नहर है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नलकूप उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ का निर्माण करती है। चकबंदी लेखपाल 8 नवंबर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसका आंसर आप लोग दीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोमती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर एट क्वेश्चन नंबर, के नदी किन जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है। तो एट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांदा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है। तो गोमती नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है क्वेश्चन नंबर नाइन में, तो आप लोग फटाफट आंसर कीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा पीलीभीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, रामगंगा और गंगा नदी का संगम कहाँ होता है। तो यहाँ पर 10 का आंसर आप लोग दीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज के निकट रामगंगा और गंगा नदी का संगम होता है। नेक्स्ट, वह जिला जहाँ गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है वह इनमें से आपको बताना है। यूपी टेट 2021 में पूछा गया है, यूपी PSC RO मेंस 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो 11 का आप लोग आंसर दीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा बिजनौर, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, प्रदेश की सबसे पुरानी नहर इनमें से कौन सी है। दोस्तों तो राइट आंसर पूर्वी यमुना नहर, आप लोग ध्यान रखिएगा प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है इनमें से। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बाण सागर बांध एवं नहर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे शहर स्थित हैं। यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी
22 दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर का ये प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है, इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ए का सेकेंड, गंगा का सेकेंड हो जाएगा बिठूर, राप्ती का यहाँ पे मिलान हो जाएगा बीकापुर गोरखपुर, और गोमती नदी का जो मिलान हो जाएगा जौनपुर, और सई का जो मिलान हो जाएगा प्रतापगढ़ में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15। निम्नलिखित में से कौन सी नहर बुलंदशहर जिले के नरोरा नामक स्थान से निकाली गई है? तो 15 का यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी, निचली गंगा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कौन से जनपद से प्रवेश करती है? तो 16 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहारनपुर से प्रवेश करती है यमुना नदी उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे दोस्तों। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा में मिल जाती है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मिल जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद। आप लोग ध्यान रखिएगा, और वर्तमान में इसका नाम है प्रयागराज। आप लोग ध्यान रखिएगा प्रयागराज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 है। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है? तो 18 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नलकूपों का प्रयोग कहाँ शुरू हुआ था? तो इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा मेरठ, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र शालिग्राम पत्थर किस नदी में पाए जाते हैं? तो 20 का आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गंडक, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ स्थित है? तो गोविंद बल्लभ पंत आपको बताना है सागर कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है मिर्जापुर, ऑप्शन बी है ललितपुर, ऑप्शन सी है बुलंदशहर, ऑप्शन डी है सोनभद्र। तो यहाँ पे 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र में स्थित है। नेक्स्ट है, मेजा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो मेजा जलाशय का निर्माण आपको बताना है किस नदी पर किया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेलन नदी पर किया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें प्रवेश प्रदेश के किस भाग में पाई जाती हैं? तो आपको यहाँ पर बताना है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें प्रदेश के किस भाग में पाई जाती हैं। तो 23 का यहाँ पर आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिजनौर। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बाढ़ सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बाढ़ सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, घाघरा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो इनमें से आपको बताना है घाघरा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा मापचा चुंगो, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबरा बांध किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर रिहंद नदी पर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? तो 28 का आंसर हो जाएगा, 28 जिलों से होकर गंगा नदी उत्तर। 29 क्वेश्चन नंबर है, यमुना नदी प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 20 जिलों से होकर यमुना नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो 30 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, यमुना नदी पर हथनी कुंड परियोजना स्थित है। नेक्स्ट है, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शारदा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, शारदा नदी किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीलीभीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, लखनऊ शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो लखनऊ शहर की बात करें तो गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कानपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कानपुर की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, गंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट,
गंगा नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी इनमें से नहीं है? तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोमती नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट 37 है, उद्गम स्रोतों के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं? तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थर्ड इसका सही आंसर बनेगा। 38 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से, तो कौशाम्बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी में मिलती है? तो यहाँ पर 39 का आंसर आप लोग दीजिए फटाफट, तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमीरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है दोस्तों? तो 40 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गाजीपुर में इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है दोस्तों? तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कल्याणी इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो 42 का आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी, राप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है, देश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल है इनमें से? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है, शुक्रताल किस स्थान पर स्थित है? तो शुक्रताल की बात करें तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, मुजफ्फरनगर इसका सही आंसर बनेगा। फुलर झील प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीलीभीत जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में झीलों के संदर्भ में कौन से विकल्प सही सुमेलित है इनमें से? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। रामगढ़ गोरखपुर, मानसी गंगा मथुरा, लक्ष्मीताल झांसी, मदन सागर महोबा, तो ये सभी ऑप्शंस सही हैं यहाँ पर। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित झील इनमें से है आपको बताना है? तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोविंद सागर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यमुना इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पर 49 का आंसर होगा ऑप्शन ए, सरयू नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्थित सबसे ऊंचा बांध कौन सा है इनमें से? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा राम गंगा बांध। नेक्स्ट है, राजघाट बांध तथा नहर परियोजना उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो कि बनी है बेतवा नदी पर, चंबल नदी पर, केन नदी पर, यमुना नदी पर? तो 51 के आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बेतवा नदी पर बनी है। नेक्स्ट 52 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है, तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंडक नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र लगभग कितने प्रतिशत है? तो 54 का आंसर हो जाएगा 30%, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। यूपी पीएससी आर ओ ए आर ओ प्री 20 सितंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे 55 क्वेश्चंस जो कि यूपी स्पेशल के आपने इस क्लास में सॉल्व किए, और ये सभी प्रश्न आगामी यूपी SSSC एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।